नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर देहात पुलिस ने 6 किलो हेरोइन तस्करी के मामले में फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। एक वर्ष से चल रहा था फरार। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्करी के रैकेट का किया पर्दाफाश। एक आरोपी को 1 किलो हेरोइन, 4 लाख की ड्रग मनी सहित किया गिरफ्तार। अमृतसर देहात पुलिस ने ड्राई फ्रूट के गोदाम में हुई लूट में शामिल 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सारा ड्राई फ्रूट किया बरामद। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर देहात पुलिस ने 6 किलो हेरोइन की तस्करी के मामले में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान मनवीर सिंह निवासी गांव थट्टे सरहाली जिला तरनतारन के रूप में हुई है। ये आरोपी NDPS एक्ट के तहत सदर नकोदर पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में वांछित था। ये मामला 6 किलो हेरोइन की बरामदगी से संबंधित है। पुलिस की कई कोशिशों के बावजूद आरोपी लगभग 1 साल से फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हर कमलप्रीत सिंह खख ने कहा कि ये गिरफ्तारी जिला पुलिस की नशा तस्करी के खिलाफ चल रही मुहिम में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने पुलिस टीम की सराहना की, जिसमें सब इंस्पेक्टर बलजिंदर सिंह, SHO सदर नकोदर, उप पुलिस अधीक्षक नकोदर कुलविंदर सिंह विर्क और पुलिस अधीक्षक जसरूप कौर बाट के नेतृत्व में इस सफलता को अंजाम दिया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा के नेतृत्व में जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक व्यक्ति को 1 किलो हेरोइन और 4 लाख रुपयों की ड्रग मनी के साथ गिरफ्तार किया है। तो वहीं इस गिरफ्तारी से एक अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्करी की रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पुलिस पार्टी ने एक सूचना के आधार पर जालंधर के बस स्टैंड के पास ग्रीन पार्क कॉलोनी के नजदीक जाल बिछाया था। पुलिस कमिश्नर के अनुसार कूल रोड की तरफ से एक व्यक्ति बैग लेकर आते हुए देखा गया, लेकिन पुलिस की उपस्थिति देखकर वह व्यक्ति घबराकर पीछे मुड़ने की कोशिश करने लगा। वहीं उन्होंने बताया कि उसकी संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली, जिसके पास से 1 किलो हेरोइन और 4 लाख रुपयों की नकदी बरामद हुई। वहीं आरोपी की पहचान शिंदा सिंह उर्फ काला निवासी गांव चक भंगेवाला थाना ममदोट जिला फिरोजपुर के रूप में हुई है। इस मामले में NDPS एक्ट के तहत थाना डिवीजन नंबर 6 कमिश्नरेट जालंधर में मामला दर्ज किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि आरोपी के साथियों के बारे में जाँच की जा रही है, जिन्हें वह हीरोइन की इतनी बड़ी खेप सप्लाई करने वाला था। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि आरोपी पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन कैसे मंगवाता था। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मालवा पुलिस साहब के दिशा निर्देशों के ऊपर SP श्री चंद सिंह साहब के गाइडलाइन के ऊपर इन्फॉर्मेशन सी कि उसके विच की गई इंस्पैक्टर सुरेंद्र सिंह ने अपनी पार्टी का नाका लगाया सीगा। नाकेबंद दौरान इन्हों एक चार जगह के एक बंदा अरेस्ट किया, छिंदा सिंह। उधर तो सामने लिखी गया है 1 किलो हीरोइन तो ड्रग मनी 4 लाख रुपए की जान की। सर दोषी से पहले भी मुकदमा सर? हाँ जी हाँ जी, ये खिलाफ पहला भी सदर फिरोजपुर पहला मुकदमा दर्ज हैगा। तो ऑलरेडी जेल से 2020 अरैसट होकर जेल गया सीगा, 2022 वापस आया सीगा। तो फिर इन्हें ड्रोन के राही जरा लून तो लगा, ड्रोन के राही मंगाना होंगे सीगा। सर दोषी का लिंक किसी के नाल अजे हो? हाँ फिलहाल तो है कि जो असी रिपोर्ट पेश करके रिमांड हासिल किया जा रहा है, ये लिंक बारे भी बैकवर्ड लिंकेज की है, फॉरवर्ड लिंकेज की है, पता किया जाएगा। फिलहाल लगा कि पाकिस्तान को ये लिंक सीगा, उतों मंगा रहे थे, इतने कितना सप्लाई कर रहा है पता। अमृतसर के देहात क्षेत्र के चाटीबिंड थाना के अधीन नाते गांव इवन कला में गत दिनों एक ड्राई फ्रूट के गोदाम में करोड़ों रुपयों का ड्राई फ्रूट की लूट का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस लगातार आरोपियों को काबू करने में हर संभव कोशिश कर रही थी, जिसके चलते अमृतसर देहात पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब पुलिस ने ड्राई फ्रूट चोरी करने वाले 4 आरोपियों को काबू किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए SSP देहात चरणजीत सिंह ने बताया
कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान थाना सिंह जसविंदर कुमार, प्रवीण कुमार, रविंदर सिंह के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि आरोपियों द्वारा सारा ड्राई फ्रूट चोरी कर एक गोदाम में रखा था। उन्होंने बताया कि इस मामले में 13 आरोपियों को नामजद किया गया था, जिनमें से 4 को काबू कर लिया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि चोरी किया गया सारा ड्राई फ्रूट बरामद कर दिया गया है। फिलहाल आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है, जल्द ही बाकी आरोपियों को भी काबू कर लिया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज दी यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है अमृतसर देहाती पुलिस वालों, जो कि एक लुट हुई सी 4 तरीक न उसके संबंध की जा रही है। जिहड़ी यह वारदात हुई सी ये 4 तरीक न सवेरे 2 बजे तो 3 बजे के विचकार यह रिपोर्ट की गई सी। इस दे विच एक AK कोल्ड स्टोर है जो कि चबाल रोड से स्थित है। ये AK कोल्ड स्टोर के विचकार विच फ्रूट, ड्राई फ्रूट, करियाना ते होर समान जो है वह स्टोर किया जाता है। ये काफ़ी फर्मा का समान जो है वह स्टोर किया गया से। यह इबन कला जो पिंड है ये उत्थे स्थित है। ये जी वारदात हुई है इस दे विच जो रिपोर्ट होया सी कि इस दे विच 20 तो 25 बंदे ने, ते ये वारदात तो बाद मौके ते पुलिस ने पहुँच के कार्रवाई की, क्योंकि नुकसान काफ़ी ज़्यादा सी। इस करके जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, मौके का मुआयना करना ते होर सारी फोरेंसिक्स ने जो काम करना सी वो सारी कार्रवाई इन्हें कार्रवाई करने तो बाद जो है पुलिस वालों FIR नंबर 119/4/9/2024 जिहड़ी है वह थाना चाटीवन विखे दर्ज की गई। उस तो बाद क्योंकि वारदात बड़ी संगीन सी ते एक व्यापारी वर्ग के विच एक बड़ा डर ते सहम का माहौल सी, ते मेरे वालों भी जिहड़ा है बतौर कप्तान पुलिस जिहड़ा है उत्थे मौके का मुआयना किया गया, ते जो व्यापारी वर्ग सी उन्हां नाल भी मीटिंग की गई इस संबंधी। तो असी अपनी टीमां जो है वक्खो वक्खरियां टीमां वह लगाइया, जिस दे विच SPD की निगरानी हेठ, DSP साहब की निगरानी हेठ, तो DSP अटारी यादविंदर सिंह जी बैठे ने उन्हां दी निगरानी च वक्खो वक्खरियां टीमां जिहड़ियां इस टास्क ते लगाइया गईयां। इस केस नूं सॉल्व करन लई बेशक सानूं थोड़ा समां लग गया, पर क्योंकि इस चोरी की जिहड़ी ट्रेल है वह काफ़ी दूर तक ते काफ़ी जिलों तक जाती सी, उन्हें सारी ट्रेल नूं कवर करन लई बंदियां दोषियों नूं फड़न लई ते समान की रिकवरी लई इह काफ़ी जिहड़ा है टीमां लगा के उस सारी कार्रवाई नूं पूरा किया गया है। बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही थी, जिसमें 2 लुटेरे एक ऑटो चालक को दातर दिखाकर लूटते हुए नजर आ रहे थे। इस घटना के बाद जालंधर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। तो वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये दोनों आरोपी पहले भी लूटपाट की घटनाओं में शामिल रहे हैं। ऑटो चालक को लूटने की मंशा से ये दोनों जालंधर सेंट्रल टाउन तक ऑटो में बैठे और फिर दातर दिखाकर चालक को लूट लिया। इस घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और वीडियो के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस द्वारा आरोपियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। नाम बहराइच का रहने वाला, एक ऑटो वाले ने बैठाया पीछे मेरे को, पीछे मेरे गाड़ी के था जो दो बंदा बैठाया था, वो दो बंदा मेरे वो गली के आगे लेके गए हैं, चाकू निकाल के मेरे गर्दन पे छुरी रख दिया, सारा पैसा मार मार के निकाल लिया था। इधर से लेके फिर जा रहे थे, मेरी बैटरी बेच लेती तब इसमें गाड़ी जब बहुत ज़बरदस्ती किया हूँ तब उसका पन्ना छोड़ के मैं छोड़ पाया, उसका चेहरा ही फोटी में आ रहा। मेरा 1200 रुपये रहा, वो निकाल लेके गए, वो मारे हैं, बस इतना काम किया है। और बैटरी का कह रहे थे कि तुमको चलो मार डालेंगे, गाड़ी चलाता हूँ जाते वो आगे हुई ये बगल में गली में ऑटो वालों ने पैसे पूरे खोके चले, बाकी दे रहे हैं जो कैमरा जो सामने चीज़ आ रही है वो देख के उसका। इसी दलजीत सिंह ठांडवी नंबर 3 जी।
ਸੈਂਟਰ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ 3 ਨੰਬਰ ਗਲੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਡੋਂ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ੋਂ ਪਰ ਗਲਤ ਤੱਤਵੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਕੇ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਜਬ ਦੋ ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟੋਂ ਕੋ ठगी के मामले में काबू किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसीपी मनिंदर पाल सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में शिकायत आई थी कि जसप्रीत नामक नौजवान विदेश जा रहा था। जब वह अमृतसर एयरपोर्ट पर चेक इन कर रहा था तो उसके पास से एक डमी टिकट मिली, उसे हैंड ओवर कर दिया गया। जब पुलिस ने बारीकी से जाँच की तो उन्हें दो लोगों की पहचान हुई, जिसके बाद उनका पीछा कर दो नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान परमिंदर सिंह निवासी अमृतसर देहात और रोशन सिंह निवासी गुरदासपुर के रूप में हुई है, जो पहले ही एजेंट का काम कर रहे थे और अब इनके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है। इनके खिलाफ और भी शिकायतें आई हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों को माननीय अदालत में पेश कर रिमांड पर दिया जाएगा ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। साढ़े को एयरपोर्ट से एयरपोर्ट स्टेशन के उपर पुलिस स्टेशन के उपर कंप्लेंट आई सी एक कि एक मुंडा जसप्रीत का जड़ा फॉरन जा रहा है वो जो चैक इन हो रहा है तो वो एक डमी टिकट मिली, उन्होंने हैंड ओवर कर दिता गया पुलिस स्टेशन के। तो जो इन्वेस्टिगेशन की एस एच ओ साहब ने साड़ी बड़े बरीकी इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन दे विच कुछ सानू दो बंदे आइडेंटिफाई हुए जिहड़े एजेंट जिन्हां ने इन्हां दी गलबात हुई सी कि असीं इन्ने पैसे लैके तुहानू फॉरन जड़ा पा देंगे। उस तो बाद उन्हूं फॉलोअप करते हुए साडे एस एच ओ एयरपोर्ट ने बड़ा वधिया काम किया, दो बंदे एप्रीहेंड किए जिहदा नाम एक धर्मिंदर आ ते एक दा नाम रोशन आ, दोनों बटाला डिस्ट्रिक्ट नूं बिलोंग करते हैं। इन्हां दा बैकग्राउंड की हैगा, ये पहलों भी एजेंट रहे ने, हुण इन्हां कोई लाइसेंस नहीं कोई कुछ नहीं हैगा। इन्हां दे खिलाफ़ होर भी कंप्लेंटा हुण जो सानू इन्वेस्टिगेशन तो बाद पता लगा, इन्होंने काफ़ी बंदों के नाल ठगियां मारियां। ये जिहड़े दोवें मुंडे जा रहे थे बाहर नूं, उन्हां दे कोल इन्होंने 10,000 अमेरिकन डॉलर, 855 आस्ट्रेलियन डॉलर, 550 कनेडियन करंसी, 200 यूरो, 6200 इंडियन करंसी सारी की सारी रिकवर हुई है। इन्हों के कोल असानू ये कोल एक करेटा गड्डी भी रिकवर हुई है इन्हों की। तो इन्हों के असी तफतीश के होर तुहानू दस दिए कि इन्हों के खिलाफ़ होर भी बहुत कंप्लेंटा हुण राइज अप हो रही, इन्होंने होर भी बहुत ज्यादा ठगियां मारियां बाहर भेजन के नाम से। नहीं वैपन कोई फिलहाल हले तक वैपन नहीं कोई मिले, बाकी इन्हों हम रिमांड से लैके इन्हों की कोशिश करेंगे। भाई यूरोप हो गया, मैक्सीको हो गया, मतलब वक् कंट्रिया के भेजन के नाम से। जोड़ा हूँ मदई हैगा हरियाणे में बिलोंग करता, उन्होंने वीज़ा लगवाने वास्ते इन्होंने टाइप किया, इन्होंने एक डमी टिकट एक डमी वीज़ा तैयार करके इन्हों एयरपोर्ट के अंदर दाखिल करने की कोशिश की। तो बट इन्हों जो एयरपोर्ट से एंटर कर रहे थे इन्होंने मदई में कहा कि असी VVIP रास्ते नहीं आने, तुम इधर से जाओ तो आह बैग तुम सूँ दे दो असी दिखा उ बैग लैके फरार हो जाते हैं। इन्होंने काफ़ी इदा वारदात की, एच एच ओ साहब ने बड़ी अच्छी तरह 100% रिकवरी करके दी। नहीं जसप्रीत तो विक्टम है ना, जसप्रीत तो विक्टम हो गया ना, काफ़ी मैंबरस के नाम आए और मैं डिस्कलोज नहीं कर सकता, बट फिर भी जो भी एप्रीहेंड करते हैं जरूर शेयर कर सामने आ रहे सर। हाँ जी, होर सामने आ रहे जो जी 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 फेक टिकटा हूँ पता नहीं है कि कितों प्रिंट करते हैं, तो जो भी यही इन्वेस्टिगेशन जो इन्होंने सामने आ रहा इन्हों का जो कंप्यूटर वगैरह पर आउट ऑफ करा। हाँ जी हाँ जी, एयरपोर्ट विभाग वालों भी कंप्लेट सामने दी गई थी इस संबंधी, उस पर ही FIR दर्ज कर दी, FIR नंबर 33-10-9-24 की हैगी। शहीदों की धरती फिरोजपुर में गुरुद्वारा सारागढ़ी शहीदी स्मारक पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर ने शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट की और गुरुद्वारा साहिब में रखे गए पाठ के भोग डाले गए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने गुरुद्वारा साहिब में माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। वही उन्होंने कहा कि देश को आज़ाद करवाने के लिए जिन शूरवीरों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी हैं उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। वही उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा सारागढ़ी के सौंदर्यीकरण के लिए पंजाब सरकार द्वारा म्यूजियम तैयार किया गया है ताकि यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जितना भी खर्च होगा वह पंजाब सरकार देगी। इस अवसर पर शहीदों के परिवारों को सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। हाँ दिवस जिसमें सारागढ़ी दिवस कह रहे हैं कि 127 साल पहला जो बहादुरी की लड़ाई लड़ी गई सी सिख रेजिमेंट वालों, उसनू याद करदियां पंजाब सरकार वालों जो एक मेमोरियल स्थापित किया गया उसकी इनॉग्रेशन करन जा रहे हैं। तो ये दिन है याद करन दा सिखां दी शहीदी नू, सिखां दी बहादुरी नू और साडियां आन वाली पीढ़ियां नू भी इहदे तों बहुत कुछ सीखना चाहिए। सो यह सिक्ख्यावां ये जो इतिहास है साडे आने वाले बच्चों तक पहुँचे
ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣੂ। ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ, ਉਸਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਉੱਦਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਜਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਵਧੀਆ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਪਰ ਵਾਹਨੋਂ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੇ ਔਰ ਬੇਮੇਲ ਜਾਂ ਅਵੈਧ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟੋਂ ਕਾ ਪਤਾ ਲਗਾਨੇ ਕੇ ਉਦੇਸ਼ਯ ਸੇ ਵਾਹਨ ਐਪ ਕਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਏਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਤੋ ਵਹੀਂ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਕਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਯ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋ ਬੜਾਨਾ ਔਰ ਯਾਤਾਯਾਤ ਕੇ ਨਿਯਮੋਂ ਕਾ ਸਖਤੀ ਸੇ ਪਾਲਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਥਾ। ਯੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸੇ ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ਕੇ ਬੀਚ ACP ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਹਰਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਵਹੀਂ ਅਭਿਆਨ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸੇ ਵਾਹਨ ਐਪ ਕਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਭੀ ਵਾਹਨੋਂ ਕੀ ਗਹਿਨ ਜਾਂਚ ਕੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਉਲੰਘਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਐਪ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁੱਲ 100 ਵਾਹਨੋਂ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕੀ ਗਈ, ਜਿਸਸੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੇ ਮੇਂ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇ BSF ਚੌਂਕ ਸਥਿਤ ਰਾਗਾ ਮੋਟਰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਮੇਂ ਆਪਣੀ ਬਹੁ ਪ੍ਰਤੀਕਸ਼ਿਤ ਨਈ SUV ਥਾਰ ਰੌਕਸ ਕਾ ਭਵਿਸ਼ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕੀਆ। ਯਹ ਕਾਰਯਕ੍ਰਮ ਏਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਯੋਜਨ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਔਰ ਸਥਾਨੀਏ ਗਣਮਾਨਿਆ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਤੋ ਵਹੀਂ ਕਾਰਯਕ੍ਰਮ ਕੇ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਵਰਿਸ਼ਠ ਪੁਲਿਸ ਅਧੀਕਸ਼ਕ ਹਰਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਕ ਨੇ ਥਾਰ ਰੌਕਸ ਕਾ ਵਿਧੀਵਤ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਆ, ਜਿਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨ ਕੇ ਵਿਭਿੰਨ ਫੀਚਰਸ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਓਂ ਕਾ ਅਨਾਵਰਣ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਥਾਰ ਰੌਕਸ ਇੱਕ ਐਸੀ SUV ਹੈ, ਜਿਸੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਆਫ ਰੋਡਿੰਗ ਕੇ ਸ਼ੌਕੀਨੋਂ ਕੋ ਧਿਆਨ ਮੇਂ ਰੱਖਕਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਹ SUV ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇੰਜਨ, ਬਿਹਤਰ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਔਰ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਵਿਧਾਓਂ ਕੇ ਕਾਰਨ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਕਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਰ ਰੌਕਸ ਕਠਿਨਤਮ ਰਾਸਤੋਂ ਪਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਮੇਂ ਸਕਸ਼ਮ ਹੋਗੀ, ਜਿਸਸੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇਂ ਆਫ ਰੋਡਿੰਗ ਵਾਹਨੋਂ ਕੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੇਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗੀ। ਤੋ ਵਹੀਂ ਥਾਰ ਰੌਕਸ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸੇ ਮਿਡ ਰੇਂਜ ਗ੍ਰਾਹਕੋਂ ਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਇਸਕੀ ਬੁਕਿੰਗ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੀ ਔਰ ਗ੍ਰਾਹਕ December 2024 ਸੇ ਟਰੱਸਟ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ January 2025 ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸਸੇ ਨਏ ਸਾਲ ਮੇਂ SUV ਪ੍ਰੇਮੀਓਂ ਕੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਪਹਾਰ ਮਿਲਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਥਾਰ ਰੌਕਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਕਿ 5-door ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਓਵਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾ SUV ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਰੌਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੌਕ ਸਟਾਰ ਹੈ ਗੱਡੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ BSF ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਰਾਗਾ ਮੋਟਰ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੱਕ SSP ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਰਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਈ SBI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਰਾ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੇਟ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਵੇਟ ਓਵਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 5-door ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ
ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟਡ ਲਓ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੋ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਡੀ 12,99,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਰੇਟ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ 7 ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਡੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। 2 ਕਲਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ 3-ਡੋਰ ਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 5 ਕਲਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਨਵੇਂ ਕਲਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀ ਬੈਸਟ ਇਨ ਕਲਾਸ ਔਰ ਫਸਟ ਇਨ ਕਲਾਸ ਫੀਚਰਸ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਕਰੋਲ ਅਸਿਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਟਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਨਫੋਟੇਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, 9 ਸਪੀਕਰ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਹਰਮਨ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਫੋਟੇਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਈਵਰੀ ਕਲਰ ਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਆਏਗਾ ਦੇਖੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਬੂਟ ਸਪੇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 644 ਲੀਟਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਿਡਲ ਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ, ਲੈਗ ਰੂਮ ਹੈਡ ਰੂਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਫਰੰਟ ਵੈਂਟੀਲੇਟਡ ਸੀਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਜੋ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। 360 ਸਰਾਊਂਡ ਜੋ ਕੈਮਰਾ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਸਟ ਇਨ ਕਲਾਸ ਫੀਚਰ ਹੈਗਾ। ਤੋ 360 ਵਿਊ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਗੱਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਥਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਗੱਡੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਸਟਮਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਛ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ। ਤੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਚੈਲੇਂਜਸ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੁਕਿੰਗ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚੈੱਕ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕੰਪਾਈਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਸਟਮਰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੰਪਨੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗੀ, ਇੰਸਟਰਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਂ ਬੰਗਲਾ ਮੁਖੀ ਥਾਮ ਗੁਰਮੋਹਰ ਸਿਟੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਚੌਂਕ ਚਾਲੰਦਰ ਮੀ ਮਾਂ ਬੰਗਲਾ ਮੁਖੀ ਜਿਕੇ ਨਿਮਿਤ ਸ਼ੰਖਲਾਬੱਧ ਸਪਤਾਹਿਕ ਦਿਵਯ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਮੰਦਿਰ ਪਰਿਸਰ ਮੇਂ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਸਰਪ੍ਰਥਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣੋ ਦੁਆਰਾ ਮੁਖੀ ਯਜਮਾਨ ਮਾਨਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸੇ ਵਿਧੀਵਤ ਵੈਦਿਕ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚੋਪਚਾਰ ਪੂਜਨ, ਸ਼ੋਟਸ਼ੋਪਚਾਰ ਪੂਜਨ, ਨਵਗ੍ਰਹਿ ਪੂਜਨ ਉਪਰੰਤ ਸਪਰਿਵਾਰ ਹਵਨ ਯੱਗ ਮੇਂ ਹੁਕਤੀਆਂ ਟਲਵਾਈ ਗਈ। ਤੋ ਵਹੀਂ ਹਵਨ ਯੱਗ ਮੇਂ ਪੂਰਨ ਨਹਾਉਤੀ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਆਏ ਹੋਏ ਭਕਤ ਜਨੋ ਸੇ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਕਹਿਤੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧ ਮਾਂ ਬੰਗਲਾ ਮੁਖੀ ਧਾਮ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨਵਜੀਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਕੀ ਚੌਪਾਈਓ ਕਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਆ ਔਰ ਉਨਕਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾਤੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਤੀ ਹੈ ਮਨੁ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰਿਕ ਦੁੱਖ ਛੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਸਕੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ, ਝੂਠ ਔਰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ, ਉਨ੍ਹੀਂ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਮੇਂ ਰਘੂਪਤੀ ਰਾਮ ਬਸਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਪੂਨਮ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਸਰੋਜ ਵਾਲਾ, ਰੂਪਮ ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਸੁਨੀਤਾ, ਅੰਜੂ, ਗੁਰਵੀਰ, ਪ੍ਰੀਤੀ, ਮੰਜੂ, ਪ੍ਰੀਆ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਹਲਚਲ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਹਿਤ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਮੇਂ ਭਕਤਜਨ ਉਪਸਥਿਤ ਰਹੇ। ਵਹੀ ਹਵਨ ਯੱਗ ਉਪਰੰਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰੇ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਰੇਂਦਰ ਬਾਬਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਮਾਤ੍ਰ ਰੂਪੇਣ ਸੰਸਥਾ ਨਮਸਤ ਸ਼ੈ ਮਾਂ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਧਾਮ ਗੁਰਮੋਹਰ ਸਿਟੀ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਥਿਤ ਇਸ ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਯ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੁਰੂਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਵਨ ਯੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਵਨ ਯੱਗ 'ਚ ਆਹੁਤੀਆਂ ਡਾਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਵ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਗਦੰਬਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਦੰਬਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਣ
और अपन झोलियां खुशियों के नाल भर के लैके जा। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना श्री गणेश जी महाराज जी ने नमित जी उन्होंने दिन चल रहे हैं गणेश पर्व शनिवार शाम को 7 बजे तो कार्यक्रम शुरू होएगा। सब तो पहला पूजा अर्चना, उस तो बाद भजन बंदगी कीर्तन है और लंगर भंडारा 9 बजे तो लैके प्रभु इच्छा तक चलेगा। शनिवार रविवार और सोमवार शाम 7 बजे तो लैके 9 बजे तक कार्यक्रम होंगे। उस तो उपरांत भोजन प्रसाद होएगा। सारे के सेवादारा मोहरे हाथ करबद्ध प्रार्थना हाथ जोड़ के कि वह पहुँचन और गणेश जी महाराज का आशीर्वाद लैन। जय माता दी। श्री राज राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर कोट सदीक मंदिर कॉलोनी नजदीक गाखला पुल जलंधर की तरफ से साप्ताहिक माँ बंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें पंडित राजेश शर्मा पंडित अविनाश गौतम ने गणेश पूजन नवग्रह शोभोपचार पूजन करवाकर मुख्य यजमानों से हवन यज्ञ में आहुतियाँ डलवाई। इस अवसर पर उपस्थित भक्तों को संबोधित करते हुए विक्रम भसीन ने कहा कि माँ की आराधना करने से सारे तीर्थों का फल मिलता है और हमें समय निकालकर माँ बंगलामुखी जी का सिमरन जरूर करना चाहिए। इस मौके पर संजीव बजाज, मरवेश कपूर, नीरज कपूर, राजेश शर्मा, रोहित बहल, संजीव चड्डा, डॉक्टर जसवीर अरोड़ा, इंद्रजीत छाबड़ा, मुनीश शांडा, विजय हांडा सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय माता दी। कोट सदीक पिंड में जो हर हफ्ते महारानी का हवन यज्ञ होता है, महारानी बगलामुखी का, और इसमें जो भी प्राणी आता है अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माँ भगवती उसको अपार कृपा करती है। जकारा शेरा वाली दा जय दरबार की जय। कोई और बोलना चलो लो प्रचार। श्री वैष्णो माता मंदिर रामगली सैदा गेट जालंधर में ईश्वर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से गणेश चतुर्थी बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर भजन गायक लवली एवं श्री माता वैष्णो देवी मंदिर स्त्री सत्संग सभा मंडली की महिलाओं द्वारा भजनों का गुणगान कर उपस्थित भक्तजनों को झूमने पर विवश किया गया। इस मौके पर कपूर परिवार ने अपने बेटे के जन्मदिन का केक गणेश महाराज जी के चरणों में काटकर उसकी लंबी उम्र की कामना की। अंत में प्रसाद रूपी लंगर भी वितरित किया गया। इस अवसर पर केवल कृष्ण अरोड़ा, विजय अरोड़ा, काला, राजू, बिट्टू, कपिल, सनी, जितेंद्र, रानी शर्मा, गीतांशु, कृष्णा, तनिक्षा, विजय अरोड़ा, रीटा नागपाल सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से साप्ताहिक माँ बंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दमोरियापुर में श्री श्री एक्सवर महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें आचार्य पंडित चक्रदेव जोशी ने वैदिक मंत्र उच्चारण कर सभी देवी देवताओं का वाहन कर अग्नि प्रज्वलित कर हवन यज्ञ का शुभारंभ किया। तो वहीं अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के अश्विनी यादव ने बताया कि ये हवन यज्ञ श्री श्री एक्सवर्ट महाराज स्वामी सिकंदर एवं गुरु माता नीरज रतन सिकंदर जी की प्रेरणा से हर सप्ताह करवाया जाता है। इस अवसर पर श्री श्री एक्सवर्ट महाराज स्वामी सिकंदर, गुरु माता नीरज रतन सिकंदर, दिवेश राम सिकंदर, पंडित चक्रदेव जोशी, अश्विनी कुमार यादव, अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की महिला विंग की लक्ष्मी शर्मा, पूजा शर्मा, मीना जैन, राधा अरोड़ा, बलजीत कौर सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर देहात पुलिस ने 6 किलो हेरोइन तस्करी के मामले में फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। एक वर्ष से चल रहा था फरार। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्करी के रैकेट का किया पर्दाफाश। एक आरोपी को 1 किलो हेरोइन, 4 लाख की ड्रग मनी सहित किया गिरफ्तार। अमृतसर देहात पुलिस ने ड्राई फ्रूट के गोदाम में हुई लूट में शामिल 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सारा ड्राई फ्रूट किया बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।